गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज का टॉपिक है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन वेपर कंप्रेशन साइकिल और एब्जॉर्प्शन साइकिल। ठीक है, इससे पहले ये लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन से रिलेटेड, जो एलपी में पूछा जा रहा है। इससे पहले अगर आपने हमारे लेक्चर नहीं देखा है रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि वेपर कंप्रेशन साइकिल और एब्जॉर्प्शन साइकिल जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, इस ईयर में पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है। इससे पहले मैं आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल और एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो भी है इसके बारे में आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ। आइए हम इनके अब क्या इनमें कंपैरिजन है, क्या क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इनके वर्किंग प्रिंसिपल से कि वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर, पहले मैंने लिखा हुआ है कि वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर कौन कौन से दोनों में डिफरेंस होते हैं हमारे पास वेपर कंप्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। तो इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब होता है एंड हीट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है जस्ट लाइक अमोनिया है, उसे अगर हम कंप्रेस कर रहे होते हैं कंप्रेसर की हेल्प से, किसमें, कंप्रेसर में, और जो वेपर एब्जॉर्ब होता है क्या होता है, उसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और हीट करते हैं। ये एब्जॉर्ब और हीट करके क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं इसमें, फ्रियॉन 12 और फ्रियॉन 22 यूज करते हैं। फ्रियॉन 12 क्या होता है, इसे डोमेस्टिक जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट होता है उसमें डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट के लिए यूज करते हैं, और जो फ्रियॉन होता है, जो हमारे पास फ्रियॉन 22 होता है, वो मिक्सिबल होता है, काफ़ी चीज़ों में कहता है सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें मिक्सिबल हो जाता है। ठीक है, और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसे अमोनिया बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, वो रेफ्रिजरेंट होता है हमारे पास अमोनिया, और जो वेपर कंप्रेशन साइकिल जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो कहता है फ्रियॉन 12 से लेकर फ्रियॉन 22 होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटी की। कैपेसिटी क्या होता है कि लिमिटेड टू 100, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1000 टन होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसकी यूनिट होती है जिसके हम टन ऑफ यूनिट बोलते हैं। ठीक है, टन ऑफ यूनिट जो हमारे पास टन ऑफ रेफ्रिजरेंट से टी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो एबव हमारे कहते हैं टन होती है, एबव टन होती है सूटेबल, और ये स्मॉल कैपेसिटी के लिए यूज भी किया जाता है। ये हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जो वेपर कंप्रेशन की लार्ज जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं उनके लिए, जो लार्ज बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं यहाँ पे रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ पे हम उनको यूज करते हैं वेपर कंप्रेशन को, और एब्जॉर्प्शन को वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे स्मॉल कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट, रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसको यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके COP, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आपको पता ही है कि जो कंप्रेसर होता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, हाई होती है, 4 to 5 होती है। ठीक है, और इसका जो सेकेंड वन जो हमारे पास वेपर की होती है वो क्या होती है, लो होती है, नियर अबाउट 1.1 होती है। ठीक है, बट एज ए फुल लोड पार्ट लोड, ठीक है, पार्ट लोड पे क्या होती है, ये लो हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि जो पार्ट लोड होता है उसमें क्या होती है, लो हो जाती है, और इसमें पार्ट लोड पे क्या होती है, फुल मिलती है। लेकिन आप जो ओवरऑल होती है COP वो किस वेपर कंप्रेशन की सबसे ज़्यादा होती है, और अब्जॉर्ब की क्या होती है, हमारे पास कम होती है। ठीक है, एनर्जी इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे होते हैं बिकॉज कि हम कंप्रेसर यूज करते हैं इसमें, इसलिए इसमें जो हमारे पास क्या होता है कंप्रेसर यूज कर रहे होते हैं इसलिए मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा आती है। इसमें क्या कहते हैं, हम हीट एनर्जी देते हैं, इसमें कोई कंप्रेसर नहीं लगा होता, जनरेटर के थ्रू क्या होता है हम हीट ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड एनर्जी होती है, और इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी होती है। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल किस ग्रेड एनर्जी पे, हाई ग्रेड एनर्जी पे काम करती है, और ये किसके लो ग्रेड एनर्जी पे काम करती है। मैकेनिकल एनर्जी इनपुट क्या है, वही अगेन कि कंप्रेसर के थ्रू हमारे पास जो एनर्जी ऐड कर रहे हैं वो कंप्रेसर के थ्रू, इसमें लिखा भी हुआ है कि रेफ्रिजरेंट वेपर इज कंप्रेस टू हाई प्रेशर टू मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट होता है हमारे पास कंप्रेसर होता है। ठीक है, और इसमें कंप्रेसर लगा होता है जो हाई प्रेशर में चेंज करता है। ये पंप हैज टू ओनली सर्कुलेट रेफ्रिजरेंट और मैकेनिकल इनपुट टू रन टू पंप द लेस, और इसमें मैकेनिकल एनर्जी इनपुट क्या होता है, इसमें मोस्टली क्या होता है पंप ही यूज होता है, और कोई हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पंप को चलाने में यूज होती है, बाकी सब जो होता है हमारे पास हीटिंग से हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास कंप्रेशन साइकिल होती है उसमें मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास कंप्रेसर के साथ साथ जो पाइपिंग सिस्टम है उसमें पंप करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास रेफ्रिजरेंट को उसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास एक और है कि रेफ्रिजरेंट रिफिलिंग क्या होता है। इसमें सिंपल होती है हमारे पास जो कंप्रेशन साइकिल, इसमें सिंपल होती है और इसमें डिफिकल्ट होती है। ठीक है, और लीकेज क्या होता है, लीकेज कंप्रेसर लगा होता है तो हमारे पास क्या होता है, लीक करने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसमें कहते हैं कम चांसेस होते हैं। नॉइस भी हमारे पास कंप्रेसर मूव करते हैं जो ज़्यादा आते हैं, इसमें नॉइस कम होते हैं, और हमारे पास आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिकॉज कंप्रेसर होता है कॉस्ट ज़्यादा आती है बिकॉज कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, और इसमें क्या होता है लो कॉस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते। लास्ट में हमारे पास मेंटेनेंस, कंप्रेसर मेंटेनेंस हाई होता है और इसमें कंप्रेसर यूज नहीं होता इसलिए नो मेंटेनेंस होता है, एक ऑब्जर्वर लगा होता है बस। इसके बाद करते हैं लिक्विड रेस की, लिक्विड रेस सक्शन पाइप डैमेज, लिक्विड रेस का ज़्यादा प्रेशर से कहते लिक्विड रेस होता है तो पाइप के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, इस पर पाइप के डैमेज होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारे पास लेक्चर था।